नमस्कार बच्चों, सीए फाइनल ग्रुप नंबर वन पेपर नंबर फोर आपका हुआ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ऑब्वियसली नवंबर 2022 में। आज इस पेपर का मैं एनालिसिस एंड डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो बच्चे दोनों ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं वो ये वीडियो आज ना देखें, वो अपने पूरे एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद ही देखें, बिकॉज बिना मतलब में कोई अनड्यू प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये एनालिसिस करने जा रहा हूं और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सही इंटरप्रिटेशन दे सकूं, लेकिन आप भी जानते हैं इंस्टीट्यूट की किसी ना किसी क्वेश्चन में अपनी एक अलग से इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, राइट? तो इस डिस्क्लेमर के साथ आइए ये एनालिसिस मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी इस पेपर में, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक तरह से हमें फ्रेश टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए अबकी बार एग्जाम में। मतलब अगर हम देखें पास्ट क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के, तो नहीं, दे वर डिफरेंट। मतलब आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन जो आदमी करके चला गया कि हाँ जी उसी में से आ जाएगा, पहले पेपर ऐसे आते भी रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं था, मतलब एक तरह से एक बिल्कुल फ्रेश नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बना के पेश किए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, लेकिन हाँ, क्योंकि सीधा सीधा आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने पक्का पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ा है मेरे बच्चों को, ये हो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज थी जो एग्जाम में आई जो ना करवाई गई हो। ये अब की बार वाले पेपर में एक सबसे बड़ा एक कह लीजिए रिलीफ मेरे को महसूस हुआ, क्योंकि इससे पहले 2020 से ही पेपर बड़े ही सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में इंस्टीट्यूट की तरफ से पूछे जाते रहे हैं। तो स्टिल मैं कंपैरेटिवली कहूंगा, चाहे नए पूछे हैं लेकिन आप बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। देन नो डाउट कुछ अगर मैं रेपिटेशन की बात करूं तो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेपिटेशन की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा आप कह लीजिए दो क्वेश्चन पेनल्टीज के ऊपर ये पास्ट में भी आए हुए हैं और आपसे पूछे गए, एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन 247 के ऊपर और एक पीएमएलए एक्ट में आप जानते ही हैं सेक्शन 4 के अंदर पेनल्टी जो पूछी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इवन मैं कहूंगा आईबीसी में भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, जो कि पिछले 5 अटेम्प्ट लेके चले, तो इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन मैं कहूं नहीं आपसे पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्वाभाविक है, कंपल्सरी प्रश्न है, उसका ए पार्ट 4 नंबर का है। और इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया होगा तो एक बार थोड़ा सा झटका लग सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने अब की बार इंटर का पेपर में भी ये किया और फाइनल के भी पेपर में ये किया कि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा झटका लगे स्टूडेंट्स को। इंटर में तो ज्यादा झटका लगा दिया, क्योंकि वो सीए के फाइनल के सेक्शन 180 पे रेडविथ सेक्शन 71 पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब अनफेयर थोड़ा सा आप कह सकते हैं बच्चों के लिए था। तो आइए, कहता है टीवाई लिमिटेड ने बोरो किया है 25 लाख रुपए डायरेक्टर से, अपने डायरेक्टर से कंपनी ने बोरिंग की है, राइट? तो डायरेक्टर तो आप जानते हैं क्या होता है, रिलेटेड पार्टी होता है, ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76। कंपनी ने का फेलियर है, आपने प्रायर अप्रूवल ऑडिट कमेटी से नहीं लिया 177 में आरपीटी की आपको ऑडिट कमेटी से अप्रूवल्स लेनी होती है। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी ने एक्सप्रेस किया है कि अप्रूवल ऑफ एसी वाज मैंडेटरी बीइंग अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी पे। ऑब्वियसली हम सेक्शन यहां देखिए रिलेटेड पार्टी हो गया, आरपीटी पे हम 188 पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये जो हमसे पूछा गया है ये सेक्शन 177 पे पूछा गया है, जो कि सब सेक्शन 4 में फंक्शंस आते हैं किसके, ऑडिट कमेटी के। और इसी सब सेक्शन में देखिए प्रोविजन्स आती हैं, 4 प्रोविजन्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जो आज तक पूछा नहीं गया था। तो ऑडिटर कहते हैं ये मैंडेटरी था क्योंकि आरपीटी है, लेकिन सीएस का कहना ये है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं कवर्ड है अंडर आरपीटी, तो इसलिए अप्रूवल ऑफ एसी वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप अंडर सेक्शन 188 लिस्ट पढ़ते हैं, राइट? कि ये है आरपीटी की ट्रांजैक्शन, जैसे सेल परचेज सर्विसेज वगैरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहां तो क्या किया गया, आपने लोन लिया है, किससे लिया, डायरेक्टर से लिया है, माना 188 की लिस्ट के अंदर ये पॉइंट कवर नहीं होता। तो ऑडिटर का कहना है गड़बड़ है, सीएस का कहना है भाई इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है, अप्रूवल ऑफ एसी वाज नॉट रिक्वायर्ड, हेंस कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी वायलेशन। देखिए अब बात क्या है, अब मेन हमारा आंसर क्या निकल गया था, देखिए जैसे हम अगर फर्स्ट प्रोविजो पढ़ते हैं तो फर्स्ट प्रोविजो क्या कहती है कि ऑडिट कमेटी की जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड है, क्लियर? क्योंकि चाहे वो ट्रांजैक्शंस अदर देन हैं जो 188 में कवर्ड है, स्टिल ऑडिट कमेटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड है अगर कोई भी आरपीटी हो, चाहे 188 में ना आए।
हाँ एक चीज है, अगर ऑडिट कमेटी इसे अप्रूव नहीं करती, इफ ऑडिट कमेटी डज नॉट अप्रूव, तो उसे क्या करना होता है, तो उसे रिकमेंड करना होता है ये चीज किसको, कंपनी के बोर्ड को, राइट तो ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी। नाउ पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, वेदर ओमनीबस अप्रूवल, जिसे हम कहते हैं वन टाइम एनुअल बेसिस पे, ऑफ एसी वॉज नीडेड टू द बोरिंग्स इफ ट्रांजेक्शन वॉज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर 188। तो देखिए ओमनीबस अप्रूवल तो वो हम पढ़ के आते ही हैं, क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए 188 में आप लेके चलते हैं, तो इसीलिए इसे तो हम कहेंगे कि बोरिंग्स उस लिस्ट में नहीं आया, सो एज ओमनीबस अप्रूवल ओनली फॉर आरपीटी, ये तो उसके लिए है, राइट। देन कैन अ पोस्ट, मतलब बाद में अप्रूवल ऑडिट कमेटी की बी ऑब्टेंड फॉर आरपीटी एंड इफ नॉट डन सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने कहा कि चाहे 188 में नहीं आता, आपको एसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो यहां पे हमारी लगती है देखिए तीसरी प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, जो कि ये कहती है अगेन सेक्शन वही 177(4) कि यस आप पोस्ट अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि ऑडिट कमेटी इसे रेटिफाई कर सकती है और उसके पास समय होता है 3 महीने का, 3 महीने के अंदर आप रेटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पूछा गया क्या इफेक्ट होगा अगर रेटिफिकेशन नहीं होता है, तो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक आ जाता है कि ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी, और किसके ऑप्शन पे, एट ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, वो चाहे तो इसे वॉइडेबल कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे यहां डायरेक्टर से बोरिंग ली गई है, जो कंसर्न्ड डायरेक्टर है जिसका यहां पे डिफॉल्ट बनता है टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस, कि जो भी नुकसान होगा आप उससे उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा पहला प्रश्न बी पार्ट, अगेन 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां कहता है कि भाई एपीसी लिमिटेड ने 4 बोर्ड मीटिंग की है 12 महीने के अंदर, जो 4 करनी भी पड़ती हैं हम जानते हैं 173 के मुताबिक, सारी बोर्ड मीटिंग आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में करी है, चेन्नई में करी है, मिस्टर प्रकाश कंपनी का एक नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लेकिन उसने कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी है इन पर्सन। देखिए हम क्लियरली पढ़ के आते हैं कोई इन पर्सन मीटिंग अटेंड करना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि 173 में हम क्या पढ़ते हैं एनी मोड, जिसका मतलब हो गया इन पर्सन अटेंड करो या अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो वीडियो मीन से आप कर सकते हैं। देन तो कहता है बट अटेंडेड ओनली 1 मीटिंग थ्रू ऑडियो वीडियो मींस, तो माना पर्सन में कोई नहीं करी लेकिन एक तो अटेंड कर ली, सार में कितनी है 4 होती हैं, एक तो अटेंड आपकी हो गई। अब दूसरा इसके ऊपर पहले पार्ट का प्रश्न हम देख सकते हैं, आपसे पूछा गया वोकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ मिस्टर प्रकाश ही हैज नॉट अटेंडेड एनी बोर्ड मीटिंग इन पर्सन। तो देखिए इन पर्सन करना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि देखिए हम वोकेशन नहीं होगा, वोकेशन के ऊपर क्या पढ़ते हैं 167 पढ़ते हैं, 166 में हम क्या पढ़ते हैं अगर आपने कोई भी मीटिंग पूरे साल में अटेंड ना करी हो, और ये 167 बिल्कुल ये नहीं कहता, डज नॉट स्पेसिफाई कि आपको ये इस तरह का वर्ड नहीं इस्तेमाल करता कि पक्का आपको इन पर्सन आना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 167 रेड विद 173, राइट। 167 कहता है साल में 4 करो, नहीं करिए तो वोकेशन लगेगी, लेकिन ये नहीं कहता पर्सन में कोई जरूरी है, और 173 कहता है जैसे मर्जी कर लो, इसलिए कोई वोकेशन नहीं लगेगा। सेकेंड पैरा में आप देखते हैं मिस्टर आकाश है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 31 अगस्त 2022 को बना है, एंड ऑब्टेन्ड डिन इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब डायरेक्टर बनने के बाद आप ले रहे हो डिन, और सारी बोर्ड मीटिंग उसने अटेंड कर ली है। अब आपसे पूछा गया है वैलिडिटी ऑफ अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग ऑफ मिस्टर आकाश इन द कैपेसिटी एज डायरेक्टर, भैया वो डायरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर बनने से पहले आपको डिन लेना पड़ता है, तो इसलिए हम कहेंगे साहब ये वैलिडिटी क्या है, ये तो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड क्यों गया, एज अपॉइंटमेंट क्या है, इनवैलिड है भाई, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि क्या नहीं है, नॉट हैविंग डिन, जो कि आपको लेना पड़ता है कौन से सेक्शन में हम पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 में हम देखते हैं कि भैया डिन लेना आपके लिए कंपलसरी है, और ऑब्वियसली आप कोट कर सकते थे यहां पे रेड विद सेक्शन 164, क्योंकि 164 में क्या पढ़ते हैं हम कि आप डिसक्वालिफाइड हैं, डायरेक्टर नहीं बनेंगे अगर आपके पास डिन नहीं है,
तो बिना डिन के आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, तो यहां पे रिवर्स हो गया, इसलिए ये चीज सही नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, कहता आप लिस्टेड कंपनी हो, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर। ऑब्वियसली एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना हम जानते हैं, बोर्ड की पावर होती है, कहां होती है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 कहता है एज पर आर्टिकल्स आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया कमलेश को, लेकिन ये पॉइंट आउट होता है कि अर्लियर पहले प्रपोजल टू अपॉइंट कमलेश एज डायरेक्टर ऑन द कंपनीज बोर्ड वॉज रिजेक्टेड बाय मेंबर्स। तो 161 में हम एक रिस्ट्रेंट पढ़ते हैं, अगर मेंबर्स की जनरल मीटिंग में आप अपॉइंट नहीं हुए हैं तो आप बैकडोर एंट्री, मतलब डायरेक्टर्स आपको अपनी पावर 161 के द्वारा आपको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है, आंसर कीजिए। पहला हिस्सा है, क्या कमलेश का अपॉइंटमेंट एज एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड इज वैलिड? बिल्कुल ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, सेक्शन मैंने कोट कर ही दिया 161 सबसेक्शन 1, क्योंकि ये कंडीशन थी इसकी। अगला प्रश्न है, क्या मेंबर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं द पावर ऑफ अपॉइंटिंग कमलेश एज एडिशनल डायरेक्टर इन एजीएम व्हेन द प्रपोजल टू अपॉइंट कम्स बिफोर एजीएम? देखिए क्लियर कट है, ये पावर किसकी है? नो, क्योंकि पावर ऑफ ओनली बीओडी, ये बोर्ड की पावर है क्या अपॉइंट करने की, एडिशनल डायरेक्टर। रेगुलर डायरेक्टर 160 में जनरल मीटिंग में अपॉइंट कीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एडिशनल के रूप में नहीं। तीसरा हिस्सा, इन द कंपनीज एजीएम अगर कहता नहीं होती विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और अर्जेंट हो जाती है लेटर डेट, डिसाइड जो कमलेश है, अगर मान लो वैलिडिटी वैलिडली अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है एडिशनल, तो क्या वो कॉन्टिन्यू रहेगा? देखिए हम एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर ये पढ़ते हैं कि वो रहेगा टिल द डेट ऑफ एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तो हम कहेंगे नो, क्योंकि रीजन क्या है, ओनली क्योंकि उसका टेन्योर कब तक रहेगा, टिल लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, और वो मोटा मोटा आप जानते होंगे एज पर सेक्शन 96 विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है, राइट? तो इसलिए आप उससे आगे अर्जन करके आप उसको और आगे ले जाओ, तो सॉरी माना एजीएम चाहे अर्जन हो जाएगी, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर को उस तारीख को बाहर निकलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक इसलिए पिछला क्वेश्चन 6 नंबर का था, 2-2 नंबर के पार्ट हो गए, ये 4 नंबर का है। मिस्टर सुनील लीगल मैनेजर है और कंपनी के अंडर इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि फॉल्सिफिकेशन हुआ है अकाउंट्स का। इन्वेस्टिगेशन में सुनील ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है, नाउ कंपनी उसको निकाल देना चाहती है, क्या रेमेडी है सुनील के पास, व्हाट प्रोसीजर कंपनी अडॉप्ट करेगी, और ये आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आंसर आ गया, चैप्टर नंबर आपके 14 इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, यहां लगता है सेक्शन 128, और 128 में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन टू इंप्लॉय होती है, मतलब जो इंप्लॉय को एक प्रोटेक्शन है कि कंपनी उसे सस्पेंड डिमोट वगैरह नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने उसे निकालना भी है तो भैया आपको लेनी पड़ेगी, निकालना है तो ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब कंपनी निकाल ही नहीं सकती, तो निकालना इनवैलिड है, मतलब वो निकालना एज गुड एज नथिंग है। तो इसलिए सही प्रोसीजर क्या है, जाइए कंपनी ट्राइब्यूनल से अपना अप्रूवल लेके आइए, ये कहता है सेक्शन 218। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन देखिए 4 नंबर का है, कहता जी ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल एक मीटिंग होती है टू अडॉप्ट अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि एक कॉम्प्रोमाइज की स्कीम अडॉप्ट करने के लिए, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं 230 सेक्शन के अंदर, राइट? और ये हो रहा है कॉम्प्रोमाइज किसके साथ, क्रेडिटर्स। ध्यान से देखिएगा क्रेडिटर्स कितने हैं, 10,000 है, वैल्यू में 100 करोड़ के हैं। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि जहां तक आपको अप्रूवल लेना होता है, देखिए सब सेक्शन 6 में हम क्लियरली पढ़ते हैं कि हमें अप्रूवल चाहिए मेजॉरिटी इन नंबर, जिसका मतलब हो गया 10,000 का मेजॉरिटी नंबर प्लस कहो या एंड कहो 75% इन वैल्यू वाले भी क्या करें, अप्रूव करें, मतलब दो साइमल्टेनियस कंडीशंस हैं, राइट? लेकिन ये हम कैसे देखते हैं, जो मीटिंग में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वोटिंग इन फेवर, राइट? तो जैसे यहां देखिए आपको क्या लिख के दिया गया है,
कहता है टोटल वोट्स कास्ट इन फेवर इन पर्सन. अच्छा, मेंबर्स कैसे आ सकते हैं? 230 सब सेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं, ये क्रिएटर हूं, मेंबर हूं, ये अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को, क्योंकि जब नोटिस दिया जाता है इन पर्सन आए, प्रॉक्सी आए या पोस्टल बैलेट, जिसके ऊपर सेक्शन 110 लगता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तीनों के तीनों हम इंक्लूड करेंगे. अगर आप इन तीनों को लेकर चलो, ये इन पर्सन हो गया 5000. अब वैल्यू में लेके चलो, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, ये हो गया 70 करोड़. लेकिन क्या हम ये परसेंटेजेस टोटल पे लगाएंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा था जो प्रेजेंट होंगे. इसलिए आगे देखिए, जो कहता जिन्होंने वोट किया है अगेंस्ट, कास्टेड अगेंस्ट, ये कितने हो गए? 4000 हो गए. राइट. तो अब टोटल कितना हो गया? दोनों को आप ऐड करेंगे 9000. 9000 का आपने क्या देखना है? मेजॉरिटी 4500 से ज्यादा, तो ये कंप्लायंस हो गया यहां पे. नंबर दो, वैल्यू की बात करें तो देखिए ये बन गया 20 करोड़, दोनों को ऐड करोगे बन गया 90 करोड़. तो अब आपने 75% की लिमिट 90 करोड़ के ऊपर जब आप लगाएंगे, तो ये जो लिमिट बन के आती है, दैट इज 75%. तो भाई ये इसका 75% आप लेते हो तो 67.5 करोड़ बना. तो देखिए ये 70 करोड़ है, तो ये भी कंप्लायंस हो गया है. तो आगे क्या कहता है? कहता है टोटल 1000 क्रिएटर्स रिप्रेजेंटिंग वैल्यू 10 करोड़ डिड नॉट अटेंड द मीटिंग. तो इसलिए जो प्रेजेंट है वो देखते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कंप्यूट करके दे दिया आपको. अब आपसे पूछा गया एनालाइज, क्या ये स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ड्यूली अडॉप्ट हुई है या नहीं? तो ऑब्वियसली हम कहेंगे यस. सब सेक्शन मैंने कोट ही कर दिया, सब सेक्शन 4 एंड 6 के अंडर. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का है, और ये हमें आया है फेमा के ऊपर. तो जैसे मैं कह रहा था नए नए क्वेश्चन आए, तो फेमा में भी ये क्वेश्चन थोड़ा नया ही कह सकते हैं आप. तो ये ईसीबी के ऊपर है. कहता कंपनी ने ईसीबी से इंडियन रुपीज में 1000 करोड़ रुपए, तो यहां ध्यान रखना था इंडियन करेंसी में आपने रेज किया है, फॉरेन लेंडर से किया है, संभाविक, और पैसा कहां लगाना है? इन इंडिया. सो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, राइट. तो कहता एज द फॉरेस्ट एंड अदर गवर्नमेंट क्लियरेंसेज आर गेटिंग डिलेड, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बी डेफर्ड बाय 1 ईयर. तो कहता एक साल तक ये हो जाएगा डिले. तो इसलिए कंपनी ने ये पैसा पार्क कर दिया कुछ इस तरह से, मतलब कहां रखना है पैसा. तो कहता कंपनी ने ये पैसा 80 करोड़ तो रख दिया है कैपिटल मार्केट में, मतलब कैपिटल मार्केट में लगा दिया आपने, राइट. और 20 करोड़ आपने टर्म डिपॉजिट करवा दिया विद एडी कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया. देखिए ऐसा है, अगर आप ईसीबी से पैसा रेज करते हैं और ये पैसा आपने रेज किया है इन एनआईआर रेज किया है, और इसे इस्तेमाल अगर आपने इन इंडिया करना होता है, ये पैसा आपको रखना है विद एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास रखना होता है. आप चाहें तो कैसे रख सकते हैं? टर्म डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं, और ये पैसा आपने रखना होता है मैक्सिमम 12 महीने के लिए, जैसे हमें क्वेश्चन में पहले बताया गया था एक साल वाली बात, वो ठीक है. तो गलत कहां है? जहां तक सेकंड पार्ट का हिस्सा है, टर्म डिपॉजिट में रखोगे, ये तो यस है, लेकिन ये आपका गलत है, ये आप नहीं कर सकते हो. नो कह लीजिए ये कांट, कि आप सिक्योरिटी मार्केट में इस पैसे को नहीं लगा सकते. इसके बाद अगेन फेमा का ही प्रश्न है. ये कहता एक फ्लाइंग क्लब है इंदौर में, ये स्टैब्लिश हुआ है 2016 में. प्रिंसिपल एक्टिविटी जो क्लब की है वो है क्लासरूम ट्रेनिंग देना एस्पायरिंग पायलट्स को आफ्टर रनिंग स्मूथली 5 साल तक. अब ये क्लब डिफंक्ट हो गया है. विद द इनिशिएटिव एंड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इट कुड बी रिवाइव ड्यूरिंग द ईयर 2021. तो देखिए 5 साल के बाद आप इसे जो भी है रिवाइव कर रहे हो. टू रीस्टार्ट द ट्रेनिंग एक्टिविटी क्लब ने क्या किया है, देखिए एक्सपोर्ट कर दिए हैं 2 एयरक्राफ्ट इंजन स्पेयर पार्ट्स फॉर रिपेयर अब्रॉड एंड गेटिंग बैक टू देम इन इंडिया विद इन 6 मंथ्स. देखिए एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के ऊपर आप इस पे पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 4. रेगुलेशन नंबर 4 क्या कहती है कि आपको कोई डिक्लेरेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है अगर आपने एयरक्राफ्ट बाहर भेजे हैं. एक तरह से रीएक्सपोर्ट हो गया, राइट. बाहर जा रहा है लेकिन आना तो इंडिया में ही है, और उसमें हम टाइम पीरियड भी पढ़ते हैं 6 महीने के अंदर अंदर वो भारत में अगर आ जाए तो आपको कोई डिक्लेरेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है. देन क्लब ने एक इंपोर्ट किया है एयरक्राफ्ट ऑन लीज बेसिस, हैड मतलब किया था, हैड विच वॉज ऑल्सो री एक्सपोर्टेड अब्रॉड परमानेंटली बाय कैंसलिंग द
लीज एग्रीमेंट, तो एक तरह से आपने एक्सपोर्ट कर दिया है राइट right? और कहता है रिक्विजिट अप्रूवल्स परमिशंस गवर्नमेंट एजेंसीज की ले ली गई हैं, जो कि लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कह लो या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कह लो अंडर के कन्वेंशन, ये सब हमने पढ़ा था। तो पर्चे नहीं है, क्लब फेल्ड टू फर्निश डेक्लेरेशन टू आरबीआई एंड अदर अथॉरिटीज विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सपोर्ट। कहता बताइए क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो हम कहेंगे नहीं किया है, क्योंकि कोई डेक्लेरेशन यहां पे यूं कह लीजिए नॉट रिक्वायर्ड है, क्योंकि यही रेगुलेशन नंबर 4 में आपको एग्जम्पशन दी गई थी, जो ठीक करवाने के लिए दिया गया है 6 महीने में इंडिया में आ जाए, और जो आपने लीज पे लिया है आप वापस लौटा सकते हैं परमानेंटली क्लियरेंसेस के बाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए 4 नंबर का आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये कंपनी ह्यूज लॉसेस में चल रही है, पिछले 3 साल से चल रही है, कंपनी ने एक मोर्टगेज किया है, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखे है। माना कंपनी में देखिए किस में चल रहा है, लॉसेस में। देखिए क्वेश्चन पेपर जब भी आता है, ब्लॉक के पेपर ऐसे ही आने लग पड़े, वर्किंग नोट शैल बी पार्ट ऑफ योर आंसर, ये लिखा भी जाता है। आप अपनी प्रेजम्पशंस लेकर के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कईयों ने किया भी होगा, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, कंपनी लॉसेस में था, आपने गिरवी रखा है कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी, इन द होप दैट बाय कीपिंग गुड फेथ विद बैंक इट कुड गेट फर्दर एडवांसेस फ्रॉम द बैंक। गिरवी रख दिए हैं गुड फेथ में, मतलब अब यहां इस गुड फेथ को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे या नेगेटिव लेके चलेंगे, कि क्या कंपनी कुछ मैनिपुलेशन कर रही थी या नहीं, ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा प्राइम ऑफिसी, तो इसलिए थोड़ी प्रेजम्पशन ली के यहां क्वेश्चन मेरे हिसाब से किया जा सकता था। बाकी इंस्टीट्यूट का देखिए अपना इंटरप्रिटेशन आगे जब उनके सजेस्टेड आंसर आएंगे। And the same could be utilized to revive the company. तो कंपनी लॉसेस में है, तो आपकी मंशा, मुझे तो यहां इतनी ज्यादा कोई बुरी नजर नहीं आ रही, बाकी हम दोनों वे में से कर सकते थे। कुछ क्रिएटर्स ने एक वाइंडिंग आपका पेटिशन देखिए कब फाइल किया, डेट देख लीजिए 2022 है, यहां 21 में आपने किया था, तो डैट मीन्स इन दोनों के बीच में अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा 6 महीने क्रॉस नहीं हुए, विद इन 6 मंथ्स है राइट right? एंड द ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग आपका ऑर्डर उसके बाद पास कर दिया। अब प्रश्न क्या है, आपसे पूछा गया एक्सप्लेन क्या क्रिएशन ऑफ मोर्टगेज बाय कंपनी इन फेवर ऑफ बैंक विल अमाउंट टू फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। तो देखिए फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस पे हम सेक्शन 328 में यही पढ़ते हैं कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने ऐसा किया है और तो भाई इसे फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस माना जाएगा, लेकिन देखिए फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस तो तभी मानेंगे जब आपकी मंशा क्या ना हो, सही ना हो, तो इसलिए वो थोड़ा लिखना था। अब देखिए गुड फेथ के ऊपर एक सेक्शन हम यहाँ पे और कोट कर सकते थे 329 के क्या कहता है, अगर आपने कोई ट्रांसफर करी है लेकिन वो नहीं करी है आपने नॉट इन गुड फेथ, जैसे यहां पे भी आपने बैंक के पास रखा, तो 329 तो साफ कहता है अगर नॉट इन गुड फेथ है और ये ट्रांजेक्शन आपने करी है विद इन 329 में जबकि टाइम पीरियड है विद इन 1 ईयर बिफोर आपकी वाइंडिंग अप की जो आप पिटीशन देते हैं राइट तो 1 साल, तो यहां तो 6 महीने वाला जो 328 में पॉइंट आता वो भी लग रहा है, 329 भी आप लिखना चाहें तो ऐसी ट्रांजेक्शन क्या होंगी तो वर्ड, तो दोनों को मिला के भी आंसर यहां लिखा जा सकता था। और देन आपका ये भी हो सकता है कि यहां पे तो कंपनी की बाय कीपिंग देखिए क्या लिखा है गुड फेथ विद बैंक की हमें एडवांसेस मिलते रहेंगे, तो हमें ये देखना कंपनी की मंशा अच्छी थी या नहीं, तो अगर गंदी मंशा के साथ दिया है तो वॉइड हो जाएगा, साथ में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस भी हो जाएगी, वरना देखिए इसे नहीं मानना चाहिए, तो 2 व्यू यहां पे लिए जा सकते थे। इसके बाद बी पार्ट आता है इसका, 4 नंबर का प्रश्न है, आप एक फॉरेन कंपनी है, अब ये भी देखिए थोड़ा ट्विस्ट के साथ, मतलब आया सब कुछ पेपर में लेकिन इस तरह का पहले प्रश्न नहीं पूछे गए, तो है तो थोड़ी सी जैसे मैं कहता हूं 2020 से थोड़ी थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब चुन चुन के मेहनत करके कि हाँ जिसने बड़े अच्छे से पढ़ा वही पेपर बढ़िया कर पाए। तो कहता कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस यहां ध्यान दीजिए भारत में 2 है, मुंबई एंड अहमदाबाद में, कंपनी ने अमेंड किया अपना मेमोरेंडम और अपनी एक ब्रांच क्लोज कर दी मुंबई वाली, मुंबई बंद किया है तो अहमदाबाद तो चल ही रहा है ना भाई, तो आपसे पूछा गया कंप्लायंस प्रोसीजर विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। देखिए सेक्शन 380 के अंदर हम पढ़ते हैं जब भी आप अमेंडमेंट करते हैं ऑल्टरेशन करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास फाइलिंग करनी होती है FC2 फॉर्म के अंदर। नंबर 2 कंप्लायंस प्रोसीजर एज रिगार्ड टू क्लोजर ऑफ मुंबई ऑफिस, तो उससे रिलेटेड भी कह लीजिए यही कंप्लायंस करना होता है, एंड डिसकंटिन्यूइंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी ऑफ कंपनी आफ्टरवर्ड। नहीं डिसकंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूल नंबर आठ क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है आपको सबमिट करने ही करने हैं, फाइलिंग करनी ही करनी होती है, हैज टू सबमिट
as having POB in India. What is POB? Place of business in India. जैसे मैंने कहा आपका अहमदाबाद वाला ब्रांच अभी भी चल रहा है. नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर प्रश्न है और ये आप देखिएगा सेक्शन 44 से लेके 46 तक 44, 45, 46 तीन सेक्शन हम यहां लगा सकते थे. एक एनजीओ ने कंप्लेंट करी है स्पेशल कोर्ट के पास अगेंस्ट ऋषभ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. इन द सेम कंप्लेंट ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ अदर ऑफेंसेस भी सीआरपीसी में उसने की है मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा. लेकिन कंप्लेंट कौन कर रहा है? एक एनजीओ कर रही है. अब आपसे पूछा यह गया है क्या स्पेशल कोर्ट इसका कोग्निजान संज्ञान ले सकती है या नहीं. तो देखिए स्पेशल कोर्ट ले सकती है लेकिन यहां हम कहेंगे नो आंसर कहना चाहिए. वजह क्या है? क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ओनली अपॉन अगर कंप्लेंट करी है ओनली अपॉन कंप्लेंट बाय व्हाट ऑथराइज्ड अथॉरिटी. तो एनजीओ कोई ऑथराइज्ड यहां पे अथॉरिटी नहीं है. राइट, ऑथराइज्ड अथॉरिटी अगर कंप्लेंट करे तो. क्या पुलिस ऑफिसर, ये 45 में हम पढ़ के आते हैं, इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट? हाँ, कर सकता है पुलिस ऑफिसर इनिशिएट जो भी कंप्लेंट मिलती है ऑथराइज्ड ऑफिसर से. बट यहां पे भी क्या है, बट ओनली व्हेन पुलिस ऑफिसर कब करेगा, बट ओनली व्हेन ऑथराइज्ड बाय, या तो कह लीजिए जनरल या कह लीजिए स्पेशल. क्या ऑर्डर अगर जारी किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. देन कैन स्पेशल कोर्ट इनिशिएट ट्रायल अंडर सीआरपीसी व्हाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट? तो देखिए पहली बात हम सेक्शन 44 में भी ये पढ़ते हैं कि भैया एक तो है पीएमएलए का क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है. ओवरराइडिंग इफेक्ट किसके ऊपर? ओवर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. देन देखिए अगर हम इसे रेड विद 44 रेड विद 46 देखते हैं तो 46 ये जरूर कहता है कि एप्लीकेशन मतलब धाराएं लग जाएंगी एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी टू प्रोसीडिंग्स. अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है बिफोर व्हाट, स्पेशल कोर्ट के पास कार्रवाई हो रही है तो सीआरपीसी की कुछ धाराएं आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना पीएमएलए का क्या रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा. अगला प्रश्न मैं कहूंगा डायरेक्ट था, अगेन पीएमएलए में से था. सेक्शन नंबर 4 में डायरेक्ट पेनल्टी पूछी गई है कि आप एक नोटोरियस पर्सन है, कोर्ट हो गए हैं इन काउंटरफिट करेंसी नोट्स, जो कि पार्ट ए पैराग्राफ 1 में आता है. कहता बताइए कितनी होगी पनिशमेंट, और ये भी बताइए अगर आपने पैराग्राफ 2 में की है. तो पैराग्राफ 2 आपको पता होना चाहिए, फेमस वही नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट ऑफ 1985 के ऊपर. तो सेक्शन नंबर 4 जैसे मैंने कहा यहां पे लगेगा. तो सेक्शन 4 में आप जानते हैं रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होती है, और रिग्रेस जो इंप्रिजनमेंट है वो कितने साल की है, 3 से लेके मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 साल. लेकिन अगर आप ड्रग्स पैराग्राफ 2 में हो तो देखिए 10 साल आती है एंड साथ में फाइन कितना है ये एक्ट ने नहीं बताया, जो ठीक लगेगा वो लगाया जाएगा आपके ऊपर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है यहां पे, और फोर्थ का ए पार्ट भी देखिए यहां पे 4 नंबर का है. कहता है मीरा एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कई लिस्टेड कंपनीज में है. तो सभी रेगुलेशंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया. मैं कहूंगा बड़ा इजी प्रश्न था क्योंकि सिंपल, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, पूछा गया कितनी लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हैं, एक क्वेश्चन हो गया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, एक क्वेश्चन हो गया. तो देखिए ये हम पढ़ के आते हैं रेगुलेशन नंबर 17A के अंदर, और दोनों का आंसर है ही क्या, दोनों का आंसर 7 है. 7 में डायरेक्टर, 7 में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. दूसरा क्या लिमिट होगी अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो? तो देखिए होल टाइम डायरेक्टर के लिए 7 की लिमिट नहीं है, उसके लिए है 3 कंपनी में. राइट, सो वेदर द अबव नंबर कैन बी चेंज, यस, क्योंकि आपके लिए 3 की लिमिट रहेगी. देन रेगुलेशन नंबर 26 में है कितनी कमेटियों में आप मेंबर हो सकते हो, इजी था 10, और कितनी में आप चेयरपर्सन हो सकते हो, ये है 5. राइट, तो ये मैं कहूंगा बड़ा पहले नहीं भी पूछा हुआ लेकिन एकदम पूरे के पूरे मार्क्स लेने वाला ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा. देयर आफ्टर बी पार्ट जो कि अगेन 4 नंबर का है कि सीजी ने डायरेक्शंस दी हैं, किसको दी हैं, सेबी को दी हैं, लेकिन सेबी ने डिफाई मींस उनका ऑर्डर नहीं माना है, इसलिए सीजी क्या कर रहा है, उसे सुपरसीड मींस टेक ओवर कर रहा है. तो आपसे पूछा गया वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो देखिए सेबी एक्ट के अंदर ये प्रश्न आ गया, सेक्शन 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो सेबी को सुपरसीड कर सकता है.
तो पावर्स हैं और आपसे पूछा गया रीजंस, तो पहली बात तो कर सकता है, लेकिन जब सुपरसीड करता है तो ये 6 महीने के लिए आप उसे कर सकते हैं, टाइम भी है। रीजन पूछे गए हैं तो रीजन देखिए 3 आते हैं, एक तो है आपकी तरफ से फेलियर है, 2 डिस्चार्ज फंक्शंस मतलब एज ए सेबी आप अपना कार्य टाइम पे नहीं कर रहे हो, दूसरा फेलियर टू फॉलो डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस नहीं फॉलो कर रहे हो, और तीसरा हम पढ़ते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सुपरसीड कर सकता है। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सुपरसीड करता है, सारे के सारे अफसरों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो उसके ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि भैया बताइए एलिजिबिलिटी ऑफ पर्संस हु वोकेटेड देयर ऑफिस ऑन सुपर सेशन ऑफ द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड, तो इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ती है, और कब तक छोड़नी पड़ती है, अनटिल रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, सारे के सारे मेंबर्स को ऑल मेंबर्स टू वोकेट, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ती है, और नए बोर्ड के लिए क्या होगा सीजी टू अपॉइंट पर्संस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, पुराने एक बार सारे निकलेंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, जिसको नए लेके आना चाहे, जिसको भी रखना चाहे वो लेके आ सकता है। सी पार्ट 3 नंबर का प्रश्न एफसीआर एक्ट के ऊपर है, मिस्टर मुस्तफा, इजी कहूंगा मैं, क्वेश्चन आसान था, आप एक कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर आपने 25 लाख रुपए अपने ब्रदर जो कि सिटीजन है और यूए में रहते हैं वहां से लिया है, और ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया है, तो बताइए क्या आपने वायलेशन किया है? बिल्कुल किया है, क्योंकि सेक्शन 3 के अंदर हम पढ़ते हैं कि आप नहीं ले सकते हैं, तो वायलेशन है ऑब्वियसली ये है, क्योंकि आप इलेक्शन की क्या है कैंडिडेट हैं। इसके साथ आप रेड विद लिखना चाहें तो सेक्शन 21 भी कोट किया जा सकता है कि आपको क्या करना होता है, इंटीमेशन देनी पड़ती है, किसको देनी पड़ती है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट देनी पड़ती है, अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया है, और ये इंटीमेशन देनी पड़ती है 180 दिन के भीतर भीतर, और ये कब देनी पड़ती है, प्रोसीडिंग डेट मतलब पहले देनी पड़ती है, जिस दिन आपका इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए नॉमिनेशन हुआ, प्रोसीडिंग डेट ऑन विच नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट, जिस दिन आपका नामांकन हुआ, तो ये लिखा जा सकता था, बाकी सेक्शन 3 पे आप आंसर लिखाएं तो विच इज गुड इनफ आई विल से। इसके बाद डी पार्ट है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, कहता कुछ झगड़े चल रहे थे पंकज और अरुण के बीच में जो कि रिजॉल्व नहीं हो पाए स्मूथली, और ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, तो डेट मीन्स एसी एक्ट के ऊपर आ गया क्वेश्चन, और कहता 3 आर्बिट्रेटर हैं, 2 ने पंकज को कहा कि आपको कॉम्पनसेशन 2 करोड़ देना पड़ेगा, लेकिन तीसरे का ओपिनियन ये है कि आप एलिजिबल नहीं है टू गेट एनी कॉम्पनसेशन, तो मतलब 2:1 की फेवर में डिसीजन आ रहा है। अवार्ड वॉज रिटर्न एंड साइंड बाय पहले 2 आर्बिट्रेटर जिन्होंने कहा था कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन तीसरे ने मना किया था, द फैक्ट दैट 3rd आर्बिट्रेटर रिफ्यूज टू साइन, तीसरे ने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा, एंड रिफ्यूज टू साइन एंड द रीजन बिहाइंड वॉज स्टेटेड इन द रीजन, लिख दिया गया है अवार्ड में। मिस्टर पंकज कहता है जी सिंस सभी ने साइन नहीं किया अवार्ड इनवैलिड है, क्या पंकज का ऐसा कहना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गलत है, क्योंकि हम सेक्शन 31 में 2 कंडीशंस पढ़ते हैं, तो देखिए तो पहली बात हम कहेंगे क्या ये टेनेबल है, नहीं पंकज का कहना गलत है, क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, एक तो राइटिंग में आए, एक साइन हो, और जो डिसीजन होता है वो आना चाहिए बाय मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी तो हो गई 3 में से 2 की, और साथ में बस साइन जिसने नहीं किया है आपको कारण बताने होते हैं, कारण तो आपने क्या किया है, लिख ही दिए हैं अवार्ड में कि उसने साइन क्यों नहीं किया। 5वां प्रश्न स्टार्ट होता है, उसका ए पार्ट देखिए 4 नंबर का है, रजिस्टर्ड वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की पेनल्टी मैंने बताया था, तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं, हिम लिमिटेड में है, वैल्यूएशन करनी है गुडविल की, 5 लाख रुपए आपको रेमुनरेशन के लिए मिलने थे, लेकिन बाद में पता चलता है सुजीत जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसने लोअर वैल्यूएशन इंटेंशनली की है, और मंशा क्या है, टू डिफ्रॉड द कंपनी, इससे कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान पहुंच रहा है, तो आपसे पूछा गया रेमेडीज कंपनी के पास क्या है, तो देखिए सेक्शन नंबर 247 पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि अगर आपकी इंटेंशन होती है टू डिफ्रॉड, तो चाहे इंटेंशन है टू डिफ्रॉड कंपनी हो या क्रेडिटर्स हो या कंपनी साफ नजर आ रहा है, तो देखिए जेल आपके ऊपर लगती है मैक्सिमम 1 साल की लगती है, साथ में देखिए फाइन लगता है, और फाइन लगता है 1 से 5 लाख, डेट मीन्स मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख,
एंड देखिए आपको जो रेमुनरेशन है वो जैसे ऊपर लिखा था 5 लाख वो आपको रिफंड करनी पड़ेगी, साथ में जो डैमेजेस मतलब जैसे कंपनी को नुकसान हुआ है, जैसे ऊपर लिखा था 1 करोड़ का कंपनी को यहां नुकसान हुआ है, तो आपको वो डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, राइट। तो ये था 247 पे आसान आया हुआ प्रश्न। अगला बी पार्ट 4 नंबर का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो कहता है सोहेल एंड सुशील ज्वाइंट होल्डर्स हैं एक निधि कंपनी में। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बार ये अमेंडमेंट भी थी, इसी अटेम्प्ट के लिए थी, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन डाल भी दिया और आपने फ्रेश लोन के लिए अप्लाई किया है, वेयर एज एक और मेंबर है साहिल, ये अलग से है, इसने फ्रेश लोन नहीं ले रहा, ये फर्दर लोन ले रहा है, तो फर्दर ले रहा है लेकिन ये पहले से डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर को कोई लोन नहीं मिलता। द नेम ऑफ सोहेल, क्योंकि ये दो इकट्ठे थे, सोहेल और सुशील दोनों ने अप्लाई किया, प्रश्न किसको मिलेगा, तो अमेंडमेंट यही थी ज्वाइंट होल्डर है तो जिसका फर्स्ट नेम है रजिस्टर में उसी को मिलेगा, डैट मीन सोहेल को मिलेगा क्योंकि फर्स्ट नेम है। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स है 5 करोड़। अब देखिए लोन कितना देना पड़ता है ये हम पढ़ के आते हैं, देखिए रूल नंबर 15 के अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर सीलिंग्स है मतलब डिपॉजिट्स कितने हैं उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो हम कौन सी सीलिंग के अंदर आ गए, ये सीलिंग आती है कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा का लोन डिपॉजिट है एंड 20 करोड़ से कम तक का है तो देखिए पर मेंबर आपको जो लोन दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है 7.5 लाख रुपया, राइट। आगे क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्दर दिखाती है कंपनी को लॉसेस हो रहा है, लॉसेस कितने साल से हो रहा है, भैया कहता है लगातार 3 साल से हो रहा है, तो जब लॉसेस हो रहे होते हैं ना तो ये लिमिट आपके लॉस हो रहे हैं तो पिछले 3 साल से अगर लॉस हो रहे हैं, ये कंडीशन है रूल नंबर हमारे 15 के अंदर, तो आपका लोन का अमाउंट क्या कर दिया जाएगा 50% कर दिया जाएगा, डैट मीन 7.5 लाख नहीं मिलेगा तो 3,75,000 का आपको ये लोन मिल सकता है। और किसको, सोहेल को फर्स्ट नेम्ड है और साहिल को नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है डिफॉल्टर है। नेक्स्ट सी पार्ट 6 नंबर का कहता आप एक बैंक है, आपने एक लोन 50 लाख का दिया स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड को, देखिए स्मॉल कंपनी आप कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, राइट, स्मॉल कंपनी को दिया है। कहता कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट में, इसलिए जो बैंक है इनिशिएट करना चाहता है CIRP और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली 3 महीने। अब देखिए नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है वो आप जानते हैं 270 दिन का है, तो आपसे पूछा गया है मेजर्स अवेलेबल फॉर स्पीडी डिस्पोजल, तो ऑब्वियसली CIRP कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन लग गया 55 लग गया, जहां हम क्या पढ़ते हैं फास्ट ट्रैक, और फास्ट ट्रैक का बेनिफिट नेचुरल किसको मिलता है भैया स्मॉल कंपनी को मिलता ही मिलता है, और स्मॉल कंपनी में सेक्शन 55 टाइम कितने दिन का देता है 90 डेज, तो आप भी 3 महीने चाहते थे प्लस, लेकिन नो डाउट यहाँ एक्सटेंशन भी होता है कितने दिन का 45 का, तो इसलिए हम कहेंगे 55 में आप स्मॉल फास्ट ट्रैक में आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगेन IBC का प्रश्न सेकेंड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का 6 नंबर का था तो पहला 3 का हो गया, ये भी 3 का हो गया। आप एक प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट डायरेक्टर हैं, आपने 30 लाख का लोन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है फॉर बिजनेस पर्पस, लेकिन ऑन फाइलिंग एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर CIRP कमेंस होगी डिक्लेयरिंग मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम आप सेक्शन 14 में पढ़ते हैं कि भैया काम पीरियड स्टार्ट हो गया बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी ने देखिए डेट यहां इंपॉर्टेंट रहेगी, इस दिन ऑर्डर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट Having jurisdiction in disposing of pending petition of some other creditors, कुछ और creditors ने petition दे रखी थी, और ध्यान दीजिए कब दे रखी थी, prior to 30 मई, 30 मई को क्या हुआ है, अरे 30 मई को AA ने order दे दिया है CIRP का, तो उससे पहले का है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो order पास किया है उससे कहा गया है कुछ कंपनी के assets की auction लगा दी जाए और ये auction start होगी 6 जून से, अब उससे पहले ही 30 मई आ गया, प्रश्न क्या auction होगी या नहीं होगी ये है, तो देखिए आपसे ये पूछा गया एडवाइस कीजिए कि क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर वैलिड रहेगा, क्या चैलेंज होगा, तो देखिए 14(1) के अंदर हम यही पढ़ के आते हैं अबेंस, अबेंस का मतलब है सारी कार्रवाई पे एक रोक लग जाना, स्टे कह लीजिए, सारे के सारे सूट वगैरह प्रोसीडिंग वगैरह एटसेट्रा उनके ऊपर रोक लग जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज है इंक्लूडिंग, चाहे वो कोई इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या आप इसे ऑर्डर कहें जजमेंट कहें या कह लीजिए डिक्री ऑफ कोर्ट, कोर्ट हो ट्राइब्यूनल हो उसके ऊपर रोक लग जाएगी, तो डैट मीन्स ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट का जो ऑक्शन वाला ऑर्डर है वो रुक जाएगा, राइट। ये है 14(1) के अंदर सीधा सीधा।
इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न देखिए छठा स्टार्ट होता है और उसका ए पार्ट चार नंबर का ये प्रश्न है। रमेश होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, होल टाइम डायरेक्टर राइट। एज ए कॉस्ट मेजर सेविंग ड्यूरिंग पेंडेमिक उन्हें निकाल दिया गया है फ्रॉम ऑफिस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। अब रमेश कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, तो ये डायरेक्ट प्रश्न आ गया। तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पिछले कुछ अटेम्प्ट में तो नजर नहीं आ रहे, पिछले पांच अटेम्प्ट में। तो आई से इट इज अ इजी क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आप समझ गए सेक्शन 202 लग गया। क्यों लग गया? होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, मैनेजरियल पर्सोनल, उसी के ऊपर ये हमारा चैप्टर नंबर 13 के ऊपर 202 लग गया। अब आपसे कॉम्पनसेशन पूछा गया, वो आप सिंपल फार्मूला जानते हो, एवरेज रेमुनरेशन मल्टीप्लाइड विद ऑब्वियसली पीरियड। और एवरेज रेमुनरेशन में आप क्या लगते हो, एवरेज रेमुनरेशन देखिए या तो पिछले तीन साल का या जितने पीरियड की आपने क्या करी है, सर्विस करी है, विच एवर इज ऑब्वियसली लोअर, उन दोनों में से विच एवर इज लेस लेते हो। और पीरियड का मतलब क्या हो गया, जितनी आपकी नौकरी पड़ी है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ सर्विस और कितना, तीन साल, अगेन दोनों में से क्या लेते हो, विच एवर इज लेस। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको लिख के आना था। और क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि ए पार्ट है, अगला पेज टर्न ओवर करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे भाई ये कितना बड़ा पैरा और है। तो डैट मीन्स वो हिस्सा सिर्फ दो नंबर का था। तो अगले पैरे में क्या कह रहा है, मिस विशाखा एक एमडी है फिर मैनेजरियल पर्सोनल हो गई, उनको एक ऑफर आया एक और कंपनी विशाल से फॉर द पोस्ट ऑफ एमडी। दो जगह एमडी हो सकते हो, तो आपको यहां 203 कोट करना पड़ेगा। 203 आप जानते हैं किसके ऊपर लगता है, होल टाइम केएमपी के ऊपर लगता है। तो वहां हम पढ़ते हैं सिर्फ आप एक कंपनी में हो सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन थी, एक कंपनी में एमडी हो, कहीं और एमडी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इफेक्टिव कैपिटल बता रखी है दोनों कंपनी की 10 करोड़ एंड 20 करोड़, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल का उपयोग तो किसके लिए होता है, रेमुनरेशन के लिए होता है अगर लॉसेस हैं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है राइट। तो आगे क्या कहता है, व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ विशाल लिमिटेड शी पुट अ कंडीशन शी विल वर्क एज एमडी इन बोथ द कंपनी साइमल्टेनियसली। कर सकती है, आंसर मैंने दे दिया, कर सकती है। कहता है ड्रॉ रेमुनरेशन एंड ड्रॉ रेमुनरेशन दोनों से वो लेंगी। अब आपसे पूछा गया है एडवाइस आर अबाउट द टोटल मैक्सिमम ईयरली रेमुनरेशन शी कैन ड्रॉ फ्रॉम बोथ द कंपनीज टुगेदर इफ एंटाइटल्ड। तो देखिए पहली बात हमें यहाँ प्रजम्पशन दे देंगे कि भैया इफेक्टिव कैपिटल आप बात कर रहे हो तो कंपनी में या तो लॉसेज हैं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग से भी लिख के आना चाहते हो तो अगर लिख आए हो या जिनके देखिए, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनका अटेम्प्ट आगे होने हैं राइट। तो वो भी अगर ये लेक्चर देखें तो आप दोनों व्यूज ले सकते हो कि एक तो 197 के हिसाब से आप कोट कर सकते थे कि भैया जो रेमुनरेशन मिलता है वो 5% मिलता है या एमडी के रूप में 10%, क्योंकि अगर एक हो मैनेजरियल पर्सनल तो 5 होता है, 10% अगर क्या हो मोर देन 1, वो भी आप लिख के आ सकते थे इस तरह से। लेकिन ये कब लगता है, अगर कंपनी में क्या हो प्रॉफिट्स हो, लेकिन क्वेश्चन में इफेक्टिव कैपिटल दिया है तो उसके हिसाब से हम आंसर यहां दे सकते हैं। तो जब अगर लॉसेस वगैरह हैं तो याद रखिए साथ में क्या लग गया, ऑब्वियसली स्केड्यूल नंबर 5 लग गया। अब स्केड्यूल नंबर 5 में उसका सेक्शन नंबर देखिए 2 कहता है अगर आपके यहां इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं तो आपने रेमुनरेशन कैसे देना है, एज पर इफेक्टिव कैपिटल देना है। अगर आप इफेक्टिव कैपिटल देखोगे, ये दोनों कंपनी की हैं तो हमें इसकी भी अगर हम सीलिंग देखें राइट, तो क्योंकि हमें यहां नजर आ रहा है 10 करोड़ एंड 20 करोड़, तो सीलिंग अगर जो हमारी नंबर 2 सीलिंग आती है वो आ जाती है 5 करोड़ एंड लेस देन 100 करोड़ वाली, उसके अंदर आ गया आप। इस सीलिंग के अंदर हम देखते हैं कि आप मैनेजरियल पर्सोनल हो, क्योंकि ध्यान दीजिए एमडी लिखा है, तो क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं तो सीलिंग अलग रहती है, तो आपको मिल सकता है 84 लाख पर एनम आपको इस लिमिट के मुताबिक मिल सकता है। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात यह आती है देखिए सेक्शन नंबर इसी स्केड्यूल का सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, क्योंकि आप दोनों कंपनियों से रेमुनरेशन लेना चाहते हो, तो 5 क्या कहता है, अगर आप रेमुनरेशन ले रहे हो किससे, फ्रॉम टू कंपनीज, दो कंपनी से, तो क्या मिलेगा, तो यहां पे लॉ कहता है टोटल रेमुनरेशन नॉट टू एक्सीड, टोटल रेमुनरेशन किससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी वन कंपनी। तो डैट मीन्स 84 करके आपको डबल तो नहीं मिलेगा, एक ही कंपनी मतलब 84 लाख टोटल मिलेगा, जिससे मर्जी ले लो, जैसे मर्जी रेशियो में आप ले सकते हैं। देन बी पार्ट 4 नंबर का, तो इससे पहले वाला आपने देखा पार्ट काफी कुछ उसमें लॉ कोट किया जा सकता था। बी पार्ट ये देखिए इंटर में भी क्वेश्चन डाल दिया आपने और फाइनल में भी डाल दिया, इंटर में डालना बड़ा
टाइट था, बट दैट्स व्हाट इंस्टीट्यूट इज डूइंग. कहता मॉडर्न कंपनी बोरो कर रही है फ्रॉम बैंक एन अमाउंट मोर देन इट्स पीयूसी फ्री रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम. देखिए पहली बात आप जानते हैं बोरिंग करना बोर्ड की पावर 179 में है, लेकिन यहां लगता है आपका 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी सेम इसी के ऊपर देखिए इंटर में क्वेश्चन डाला इन्होंने, वो भी बैलेंस शीट टाइप बना के, विच वॉज रियली अनफेयर क्योंकि उन्होंने डिबेंचर के साथ लिंक कर दिया सेक्शन 71 के साथ. तो ये कब लगता है, ये भी बोर्ड की पावर होती है लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करवाना था SR. लेकिन 181C कब लगता है, ऑब्वियसली जब कंपनी की बोरिंग्स अमाउंट बोरोड प्लस येट टू बी बोरोड क्या कर रहा हो, एक्सीड कर रहा हो, किससे, एक पीयूसी, दो फ्री रिजर्व, तीन शेयर प्रीमियम, जो क्वेश्चन में साफ लिखा है. तो आपसे पूछा है एज पर जनरल रूल ऑफ गवर्नेंस वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑथराइज्ड टू डू सो, तो हम कहेंगे ऑथराइज्ड हैं लेकिन कंडीशन वो जनरल मीटिंग में क्या पास करवाएं पहले SR. इफ नॉट व्हाट वुड बी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी. तो डायरेक्टली तो आप ऑथराइज नहीं हो, 179 के साथ 180 लग गया तो इसलिए प्रोसीजर हमने कह दिया SR पास करवाना पड़ेगा. व्हाट वुड योर आंसर बी इफ बी डिफरेंट इफ टोटल लोन्स इंक्लूड टेम्पररी लोन्स. तो हमारा आंसर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि टेम्पररी लोन्स को हम एक्सक्लूड करते हैं किसमें, इस फार्मूले से, अमाउंट बोरोड प्लस येट टू बी बोरोड अगर वो मोर देन हो पीयूसी प्लस FR प्लस SP. तो इसलिए अगर इसे एक्सक्लूड करके लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है तो फिर हमें SR की कोई आवश्यकता नहीं है, 181C नहीं लगेगा, 179 के हिसाब से आप कर सकते हैं. अगला प्रश्न 3 नंबर का है और मनी लॉन्ड्रिंग पे है. कहता कार्रवाई चल रही थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा PMLA में और एक नोटिस दिया जाता है टू अटैच प्रॉपर्टी, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, शाम को कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है. शाम प्लीड करता है कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्या उसकी प्ली एक्सेप्ट की जाएगी, क्या ये नोटिस क्वाश कैंसिल किया जा सकता है. तो देखिए अटैचमेंट में हम पढ़ के आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन नंबर 5, तो वहां हम पढ़ते हैं कि अटैचमेंट कैन बी डन ऑब्वियसली बाय द अथॉरिटीज, कि वो कर सकती हैं और कोई भी प्रॉपर्टी यहां हो सकती है, एनी प्रॉपर्टी, मतलब फर्क नहीं पड़ता मूवेबल हो इमूवेबल हो, अगर उनके पास क्या है रीजंस टू बिलीव है, मतलब अगर उनके पास रीजंस टू बिलीव है कि आपके प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, दे हैव द पावर. और ये पावर अथॉरिटीज की कहां पड़ते हैं, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की. सिर्फ आपके पास एक रेमेडी जो निकल के आएगी, ओनली रेमेडी क्या है कि जो आपने अपना रिप्लाई देना होता है अंडर सेक्शन 8, जो कि आप एडजुडिकेशन में पढ़ते हैं, वहां आपके रिप्लाई पे अगर आप बच गए तो अलग बात है, वरना आपके पास कोई रेमेडी नहीं है. इसके साथ हम आगे हमारे आखिरी प्रश्न डी पार्ट, जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सिंपली ड्यूटीज पूछ ली हैं, आरपी की पूछी हैं, लेकिन किससे रिलेटेड पूछी हैं, PPIRP से रिलेटेड, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड, जो कि क्योंकि एक नया कंसेप्ट था इसके ऊपर क्वेश्चन बनता भी था और इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, और डाला देखिए आसान है, शायद इतना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. ड्यूटीज पूछ ली हैं, ये हम पढ़ते हैं 54B के अंदर. और हम क्या पढ़ते हैं भाई इसके अंदर, हम पढ़ते हैं कि आपने ड्यूटीज क्या है, एक रिपोर्ट देनी होती है एज टू कंप्लायंस, कि क्या कंप्लायंस हो गया है किसका, 54A का, राइट, बेस रेजोल्यूशन प्लान, ये वो सब आप डिटेल में लिखना चाहें तो यहां लिख के आ सकते थे, बाकी 3 नंबर का प्रश्न है. दूसरी बात, आपने फाइलिंग करनी होती है अगेन किस चीज की, रिपोर्ट्स कहें, डॉक्यूमेंट्स कहें, किसके पास, विद बोर्ड. और तीसरी बात यहां जाती है कोई अदर कह लीजिए प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज वगैरह. तो इसके साथ मेरी तरफ से ये जो डिस्कशन थी समाप्त होती है, और जिनके देखिए ऑफिशियल ग्रुप 2 चल रहे हैं उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स. जिनके हो चुके हैं प्लीज ज्यादा टेंशन आप मत लीजिए, जो हो गया हो गया, राइट. ऑब्वियसली जिन्होंने आगे भविष्य में पेपर देने हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा रहती है, बल्कि कि हाँ ये पेपर हुआ है, हम क्लासेस लगा चुके हैं, हम भी देख लें, तो आई होप सो उनको एक ठीक ठाक यूटिलिटी मिल पाएगी. बाकी मेरी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन में हो सकता है कोई गलती हुई हो तो उसके लिए देखिए ऑब्वियसली वो हमें पता चलेगा जब इंस्टीट्यूट का क्या आ जाएगा, सजेस्टेड आंसर आ जाएंगे. सो थैंक यू, गॉड ब्लेस.